हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे और मौज मस्ती में होंगे। आज अपन दोस्तों रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए जो मॉड्यूल पेपर है उन पे अपन कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो मॉड्यूल पेपर नंबर होगा दोस्तों 3 नंबर होगा, आपका ध्यान रखिएगा। 2 नंबर मॉड्यूल पेपर पे हमने 30 क्वेश्चन हल किए थे और जो 30 क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं वो अपन आप ही कर लेंगे दोस्तों। 31 से हमारी शुरुआत होगी। टोटल क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी, 60 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं, 60 क्वेश्चन है। यदि यार आप रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकेंड, लेवल प्रथम और लेवल सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये है दोस्तों कॉमन टेस्ट है। क्या है ये? दोनों कॉमन टेस्ट है। तो इसके अंदर हमने आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला 31 से क्वेश्चन अपनी शुरुआत करते हैं। राजीव इनोवेशन कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन की आपको यहाँ पे क्या करनी है, पहचान करनी है। असत्य कथन बताना है आपको। देखिएगा साथियों, आपके लिए बता देता हूँ, हम आपके लिए SST का दोस्तों मॉड्यूल पर कल से शुरुआत कर देंगे। SST यदि आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी SST की तैयारी कर रहे हैं, तो SST अपने मॉड्यूल पर शुरुआत करेंगे कल से। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा कार्यक्रम की। देखिएगा दोस्तों, राजीव इनोवेशन पूछा गया। कार्यक्रम की शुरुआत 20 मार्च 2021 को दोस्तों नहीं हुई थी, तो असत्य कथन पूछा हुआ है। पहला असत्य हमारा सही हो जाएगा। तो इसका नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अपन थोड़े जल्दी बढ़ेंगे। सामुदायिक वनाधिकार की विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पूछी गई शुरुआत कब की थी? तो 9 अगस्त 2021 आपका राइट आंसर होगा। कब होगा? 9 अगस्त 2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों, शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार प्रति जोड़ा कितने रुपए अनुदान दिया जाएगा? प्रति जोड़ा पूछा गया कितने रुपए अनुदान दिया जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 18,000 रुपये दोस्तों। कितना होगा? 18,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। बजट 2021-22-23 में कालीबाई भील और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर कितने देने की घोषणा करी है? तो अब कितनी कर दी है? आप ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। पहले कितनी थी? पहले थी 13,000, अब कर दी है 20,000। कितनी कर दी है? 20,000 कर दी गई है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में दिए गए कथनों पर असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन उसकी पहचान करनी है। योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2021 को। दिसंबर 2021 में से पैकेज की संख्या कितनी कर दी है? 1597 बीमारियों का इलाज होगा। और बजट 2022-23 में प्रति परिवार सालाना शिक्षा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए। बिल्कुल ये तीनों ही हमारे सही हैं। अब चौथा पढ़ रहे हैं, बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा। दोस्तों 10 लाख रुपए नहीं है, कितना है? 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत दिए गए कथनों पर क्या करना है हमने? हाँ, दिए गए कथनों पर देखिएगा दोस्तों क्या करना है, कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। हाँ जी, दिए गए कथनों में असत्य कथन की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। सिर्फ देखिएगा असत्य कथन कौन सा इसमें। योजना की शुरुआत 25 जून 2021 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी योजना की शुरुआत? 25 जून 2021 को, बिल्कुल सत्य है ये। हाँ जी, दूसरा देखिए, योजना के तहत अनाथ बच्चों को एक मुफ्त किस्त के रूप में 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दोस्तों ये गलत हमारा, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। विधवा महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो हमारा ये सही है, ये सही है। तो डी जो बी नंबर आंसर हमारा वो होगा, राइट नंबर कौन सा आंसर होगा? बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा PCPNDT एक्ट के तहत मुखबिर योजना, दोस्तों मुखबिर जो सूचना देता है, मुखबिर योजना में भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अब कितने रुपये मिलेंगे? दोस्तों यदि कोई भ्रूण लिंग की जाँच करवाता है कोई, और मुखबिर के द्वारा किसी को यदि गवर्नमेंट को सूचना पहुँचा देता है, तो वो अभी यदि सूचना पहुँचाने वाले को 1,00,000 रुपये मिलेगा, ये है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे। तो 3 लाख रुपए राशि मिलेगी दोस्तों। यदि आपके भी कहीं नजदीक ऐसा कोई है कैंडिडेट जो भ्रूण की जांच करता है या करवाता है, तो ऐसे साथी को जो सूचना देगा गवर्नमेंट को, उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घर घर औषधि योजना के बारे में दिए गए कथनों में असत्य कथन का पहचान करना है। योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से हुई थी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2021-22 और 25-26 तक इस योजना को चलाया जाएगा। योजना में तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के पौधे प्रदान किए दोस्तों। इसकी जो योजना की शुरुआत करी थी अशोक जी गहलोत ने करी थी, अपने घर पर गिलोय का पौधा लगा के दोस्तों। क्या क्या था? गिलोय का इन्होंने पौधा लगा के इसकी शुरुआत करी थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
और टोटल 8 पौधे मिलेंगे इसके अंदर। कितने मिलेंगे? टोटल 8 पौधे मिलेंगे, जिनमें से तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा आपका शामिल होगा। इसका मतलब दो दो प्रत्येक के मिलेंगे। इस योजना की शुरुआत बाड़मेर से नहीं हुई थी, तो डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा निम्न में से किस योजना का शुभारंभ 3 फरवरी 2021 को नहीं हुआ है? जो हुआ है उसका पता होना चाहिए, समर्थ का भी हुआ है, सक्षम का भी हुआ है, राजीविका भी का हुआ है। तो वात्सल्य का क्या हुआ है? वात्सल्य का ना यहाँ पे 3 फरवरी 2021 को क्या हुआ है, शुभारंभ इसका नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, सांदर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? 75 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पेंशन कितने रुपए दी जाएगी? तो 1000 रुपया। कितनी दी जाएगी? 1000 रुपया, ध्यान रखिएगा दोस्तों 1000 रुपया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस सभ्यताओं से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, प्राप्त हुए कालीबंगा से, प्राप्त हुए गणेश्वर से, प्राप्त हुए आहड़ से, प्राप्त हुए, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, सारे हैं जिनको क्या है ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 में क्या कहता है, किस वस्तु का संबंध कालीबंगा से नहीं है? कालीबंगा से जो नहीं है वो बताना है। तो अपन बात करते हैं कालीबंगा से संबंध किस किस का है। तो देखिएगा, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बिल्कुल ये है, और गाय के मुख वाले प्याले ये भी है, कांस्य के दर्पण दोस्तों ये भी है, और बाँस की छत दोस्तों ये नहीं है। ठीक है ना, इनका संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा इनका संबंध नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका द नंबर। कौन सा होगा? द नंबर। बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य पूछे गए आपसे, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, बात करें बेराट से बिल्कुल मिलते हैं, बालाथल से मिलते हैं, और ए और बी दोनों का है, तो इसका नंबर आंसर हो रहा हमारा डी नंबर। देखिएगा ए और बी दोनों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो देखिएगा, कौन सा कथन गलत है? विराट का उल्लेख महाभारत में मिलता था दोस्तों, विराट का उल्लेख है ना महाभारत में बिल्कुल मिलता था दोस्तों, ये सत्य है कथन है। आगे देखिएगा दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं आगे क्वेश्चन के सामने, दो तीन कथन और बच गए, तीन कथन और क्या कहते हैं? हाँ जी, विराट में अशोक के दो स्तंभ लेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बी नंबर भी हमारा सही है। आगे देखिएगा, विराट में स्वामित्व व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिलते हैं, ये भी सही है। विराट को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, ताम्र संचयी सभ्यता नहीं कहते इसको, संस्कृति नहीं कहते हैं। तो डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जागीरदारी व्यवस्था बतानी आपको किस आधार पर थी? आर्थिक स्थिति पे या धार्मिक स्थिति पे या रक्त संबंध? दोस्तों रक्त संबंध व कुलीन भावना पर आधारित थी। सी नंबर आंसर हमारा क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, जल्दी से थोड़ा जल्दी बढ़ रहे हैं, टाइम कम, बिल्कुल कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके सरल होंगे यहाँ पे। और जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही हमारा क्या है, प्रतिफल है आपका। ठीक है, हमें दोस्तों इसी के बदले यही मिलना चाहिए। आगे देखिएगा, रियासती काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? दोस्तों रियासती काल में सबसे छोटी इकाई पूछी गई आपसे कौन सी थी? तो छोटी इकाई की बात करूँ आपके सामने, तो मित्रों आपकी छोटी इकाई हो जाएगी ग्राम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी लगा लो आप, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, द नंबर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निमन को आपके करना है, निमन को करना है आपको सुमेलित। क्या करना है मित्रों? सुमेलित करना है। अब देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन के अंदर सुमेलित कैसे करेंगे? हाँ जी, दर दोस्तों, दर ये क्या है? दर बिल्कुल भरतपुर में ये स्थल दे रखे हैं, इधर जिला दे रखा है, तो आप देख रहे होंगे ऊपर। और तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा तो बिल्कुल बाड़मेर में है। बागोर, हाँ जी बिल्कुल बागोर तो भीलवाड़ा के अंदर ही है, और सोनथी बीकानेर के अंदर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा खै कै गै गै। ठीक है, खै कै गै गै बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारा एक नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि मावठ है दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि क्या है? मावठ से किस फसल को लाभ मिलता है? दोस्तों किस फसल को लाभ मिलेगा मावठ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ पहले, तो
क्या लगाओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो रबी की जो फसलें होती है ना, उसको मिलता है मावट से लाभ। रबी की फसलें कौन कौन सी है? रबी की फसलें गेहूं हो जाएगी, जैसे मान लो है ना सरसों हो जाती है, ये होती है रबी की फसलें, ठीक है। इनको ज़्यादा लाभ मिलता है मावट से, आपको देखा होगा दोस्तों। फिलहाल ये मौसम क्या है, अभी जो बरसात हो रही है आजकल में, तो ये मावट की बरसात है, ध्यान रखिएगा। अरावली के संबंध में ये कहने का मतलब है कि जो सर्दियों में बरसात होती है दोस्तों, सर्दियों में जो बरसात होती है वो होती है मावट से, और जो गर्मी होती है दोस्तों वो होती है मानसून से, है ना। अरावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है अरावली के संबंध में आपको। 49 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अरावली मरुस्थल प्रसार को रोकने का कार्य करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अरावली है ना, मरुस्थल का प्रसार रोकने का कार्य करती है। अरावली से राज्य के अधिकांश नदियों का उद्गम बिल्कुल यहाँ से होता है। अरावली के कारण ही पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का विकास हुआ दोस्तों, अरावली के कारण ही पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का विकास हुआ है। क्या ये सत्य है? क्या बिल्कुल ये भी सत्य है। अरावली क्षेत्र में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल ये गलत है, न्यूनतम नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर हमारा यहाँ सही हो जाता है आपका। आगे देखिएगा दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा अंतिम तक। 56 का मैदान किन जिलों में है दोस्तों? 56 का मैदान बताना आपको, 56 का मैदान किन जिलों में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 56 का मैदान दोस्तों वो बांसवाड़ा में है और प्रतापगढ़ में भी है, ठीक है ना। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों ऑप्शन आएगा, तो ए और बी दोनों साथ में जाना है आपको, ठीक है ना। ए और बी दोनों में साथ में आपको जाना है, और बेटर यदि बांसवाड़ा जर ए और बी दोनों ना हो जाए पहले, वो तो डिलीट होगा, और डिलीट नहीं होगा तो बांसवाड़ा करना आपको, क्या करना है? बांसवाड़ा कर देना आपको। आगे देखिएगा, राजस्थान में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों? राजस्थान में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का कहाँ प्रस्तावित है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित होगा बाजरा का सेंटर एक्सीलेंस? जोधपुर में स्थापित होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। अब देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान में किस देश की सहायता से मंजिल योजना संचालित की जा रही है? मंजिल योजना किस देश के साथ में संचालित की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए इंग्लैंड दोस्तों। कौन सा होगा? इंग्लैंड आपका देश हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड के साथ क्या की जा रही है? मंजिल योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में साइंस लैब किस संस्था के सहयोग से बनाई जाएगी? साइंस लैब पूछा गया, किस संस्था के सहयोग से बनेगी साइंस लैब? तो आपका राइट आंसर होगा IBM दोस्तों। किसकी सहायता से बनेगा? IBM, ध्यान रखिएगा दोस्तों, IBM, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान का पहला बायो गैस CNG प्लांट कहाँ बनाएगा दोस्तों? बायो गैस CNG प्लांट है आपका, हाँ जी देख लो कहाँ पे है, आरजिया भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? आरजिया भीलवाड़ा के अंदर। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग द्वारा श्रद्धालु देश में कहीं भी अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। राजस्थान का पहला मंदिर बताना है जहाँ पर डाक द्वारा घर पे बैठे श्रद्धालु अपने प्रसाद मांगेंगे, तो जैसलमेर हो जाएगा आपका। जैसलमेर जो बाबा रामदेव मंदिर है, इसका प्रसाद आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों का कॉमन टेस्ट है। प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? प्लाज्मा बैंक बताओ दोस्तों, हमने बात करी है प्लाज्मा बैंक की, बताओ प्लाज्मा बैंक। अब इसके साथ में एक और बता दो, अब करंट जी का दोस्तों, खिलौना बैंक, खिलौना बैंक का किस संबंध कौन से ज़िले से है? तो हनुमानगढ़ से, ध्यान रखना, ठीक है, हनुमानगढ़ से। और एक इसके साथ और बैंक की बात कर लूँ मैं, कौन से बैंक की बात कर लूँ? बोन बैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। एक मास्क बैंक हो जाएगा, मास्क बैंक का संबंध हो जाएगा आपका बीकानेर से, बोन बैंक का कोटा से हो जाएगा। तो ये देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होने वाला है ना, वो हो जाएगा आपका जयपुर और कोटा, ठीक है। जयपुर और कोटा ऑप्शन दे रखा है, तो देखिएगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए आपसे कौन है, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह आपका। एक नंबर आंसर सही होगा। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? सीमावर्ती विकास क्षेत्र कार्यक्रम, जो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 58 का नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 1986 और 87 को शुरू किया गया था, ठीक है। सब देखिएगा आगे दोस्तों, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। प्रदेश में पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले गए हैं? दो बताने हैं, 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले गए हैं, तो बताइएगा दोनों कहाँ कहाँ खोले गए हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर होगा एक अजमेर में, और दूसरा कहाँ पे है? जोधपुर में खोले गए हैं, ठीक है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ सही हो जाएगा। बारिश में व्यर्थ बहने वाली पानी से बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में होगा?
दोस्तों बताओ, बारिश में जो व्यर्थ बहने वाला पानी है उससे बिजली बनेगी, और राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में खोला जाएगा? 16 नंबर, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। क्या होगा? 12 आपका राइट आंसर होगा। सभी साथियों को धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमारी क्लास से विदा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।